सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एवरी वन। दिस इज सादिक एंड यू आर वॉचिंग हाइपर राइडर सादिक। सो गाइज, आज कोई राइडिंग वीडियोज़ नहीं है, आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। आज मैं एक प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने वाला हूँ। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल में आप लोगों को पता चल चुका है। यस, मैं आज एक हाइड्रेशन बैग को अनबॉक्स करने वाला हूँ। बहुत दिनों से सोच रहा था एक हाइड्रेशन बैग ले लूँ, क्योंकि राइडिंग के दौरान में बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जिसमें से मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए थे, जिसमें से डी कैथलॉन के बैग थे एंड वाइल्ड क्राफ्ट के भी थे, पर डी कैथलॉन मैंने चूज़ नहीं किया। रीज़न वाइज, उसका जो अभी न्यू डी कैथलॉन का जो बैग आ रहा है क्वेचा का, उसका बीच में ऐसे इस तरह से वेलक्रो दिए हुए जो कि मुझे पसंद नहीं है। सो मैंने चूज़ किया है इसे, वाइल्ड क्राफ्ट का हाइड्रेशन बैग इसको चूज़ किया है। इसके कुछ अच्छे फीचर्स भी हैं, मैं आपको अनरैप करके बताऊँगा। उससे पहले कि आपको एक चीज़ बता दूँ, इस बैग के साथ हाइड्रेशन ब्लैडर नहीं आते हैं, इसको आपको अलग से परचेस करने पड़ते हैं। एंड मैंने ऑनलाइन में बहुत सर्च किया, पर उसका क्वालिटी इशू था, रिव्यू भी बहुत ख़राब था, तो सोचा डी कैथलॉन से जाके ले लेते हैं। डी कैथलॉन का प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको अनबॉक्स करने से पहले डी कैथलॉन चलते हैं, पहले जाके वो हाइड्रेशन ब्लैडर लेते हैं एंड उसके बाद साथ में अनरैप करेंगे। ओके गाइज, तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, निकल चुका हूँ मैं घर से एंड आज का वेदर बहुत ही अच्छा है। बारिश होने का चांस नहीं है, बट धूप बहुत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिकैथलॉन। फिलहाल तो गर्मी नहीं लग रहा है क्योंकि धूप अभी नहीं है। चलिए चलते हैं, जाके देखते हैं डिकैथलॉन शिक्षा तरीनी जो नया ब्रांच खुला है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। लास्ट ब्लॉग कार्बन रेसिंग का एक्सटेंडेड क्लाइम के ऊपर में था, अगर आपने नहीं देखा तो गो एंड चेक आउट, लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। एंड आई एम एट पार्क स्ट्रीट राइट नाउ। तो गाइस बने रहिए एंड देखते रहिए, स्टे ट्यून। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे पार्किंग चार्ज लगेंगे 25 रुपीज़ पर आवर। सो जैसे कि देख सकते हो, डी कैथलॉन में एंटर कर चुका हूँ मैं। ये पूरा बैग पैक का सेक्शन है, आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। पूरा बैग से सामने साइकिल्स है रखी हुई एंड यहाँ पे टी शर्ट्स का सेक्शन है, शॉर्ट्स है यहाँ पे। सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एंड शूज़ है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चल के देखते हैं। सामने टेंट्स लगे हुए हैं, ये आपका रेन जैकेट्स का ऑप्शन है यहाँ पे। पूरा यहाँ पे भी कुछ जैकेट्स है एंड ग्लव्स का सेक्शन है। ये पूरा हर तरीके का आपको ग्लव्स मिल जाएगा यहाँ पे। सो ये पूरा शर्ट्स का एंड कार्गोस का सेक्शन है, बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। एंड सामने में ट्रेकिंग पैंट्स, इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, 3499। से आ चुके हैं बोटल सेक्शन पे, बहुत सारे बोटल्स है यहाँ पे, शेकर्स है, बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं।
एंड देखते रहिए गाइस, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो बहुत खोजते खोजते मुश्किल से मुझे ये वाटर ब्लेडर मिला है, वो भी 2 लीटर का। 1 लीटर अवेलेबल नहीं है। स्टाफ बता रहे कि आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अभी मिलना मुश्किल है। तो देखते हैं क्या करते हैं, फ़िलहाल इसको यहीं पे रख देते हैं क्योंकि मुझे 1 लीटर की ज़रूरत है, 2 लीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ये बैग मुझे ऑफ़र में दिख रहा था 199 का, तो सोचा आया हूँ कुछ तो लेके जाऊँ, इसलिए ये बैग फ़िलहाल उठा ले रहा हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, बिलिंग करते हैं, निकलते हैं। पार्किंग 25 रुपीज लेग आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, 25 रुपीज पर आवर। एंड मुझे जो चाहिए था वो यहाँ पे मिला नहीं, मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। तो बस अब चलते हैं। One eternity later. So guys, finally वो product आ चुका है and ये the product देख सकते हो, Decathlon, क्योंकि मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था तो पिकअप करने में आज गया था, उसको मैं पिकअप करके लेके आया हूँ। एंड तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं हाइड्रेशन वेडर को एंड देखते हैं, बैग को भी अनरैप करके देखते हैं। सो इज द Decathlon, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं अब। ये रहा वाटर ब्लेडर 1 लीटर एंड इसमें प्राइस MRP दिया हुआ 999 का, पर इसकी मुझे कितना पड़ा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए इसको खोल लेते हैं पहले। सो ये द ब्लेडर, यहाँ पे ऑफ ऑन का दिया हुआ है, इस तरह से ऑफ हो जाएगा। एंड इसके बैक साइड में यहाँ पे ऑन है एंड यहाँ से आप पानी वाटर को सक कर सकते हो। ठीक है, इतना का प्रोडक्ट है, इसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है, कोई इशू नहीं रहता है इसको ओपन करने के लिए। यहाँ पे एरो दिए हुए हैं ओपन फ्रॉम दिस साइड, इस तरह से ओपन कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। एंड वो यहाँ से वाटर भर के
फिर आप इसको वापस डाल दीजिए। सो दैट्स इट, ये तो हो गया वाटर ब्लैडर का। एंड आपका बैग को अडैप करके दिखाते हैं। तो मैंने एक्चुअली ओपन किया था, सो हियर इज द बैग फ्रॉम वाइल्ड क्राफ्ट। बैग का क्वालिटी बहुत ही मस्त है। यहाँ पे दो रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं, दिस इज वाइल्ड क्राफ्ट ब्रांडिंग है। इसका भी MRP दिया हुआ है 999 का। यहाँ पे एक आप बेल्ट को भी ऐसे लगा सकते हो। पीछे में थोड़ा मेश मटेरियल दिया हुआ है, बट बहुत ही अच्छा क्वालिटी है बैग का। इसको बस एक ही इसमें जिप दिया हुआ है इसके अंदर में। अब इसमें ब्लैडर रख सकते हो वाटर, एंड इसके अंदर में आप कुछ भी और भी एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हो। एंड ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए आप इसको स्कैन करके भी देख सकते हो। सो या यहाँ पे पाइप को अटैच करने के लिए दिए होते। चलिए मैं इसको अंदर डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पहन के। इसका जो पाइप है आप यहाँ से निकाल सकते हैं लाइक दिस। ये आपका पाइप चला गया। यहाँ से इसको आप इस तरह से अटैच कर दीजिए, चेन ऑफ। सो या हियर इज द बैग रेडी। मैं इसको आपको पहन के एक बार दिखा देता हूँ। सो हियर इज द बैग एंड रेडी हो चुका है ये। चलिए इसको पहन के दिखा देता हूँ आपको मैं एक बार। सो इसके जितना भी स्ट्रैप से आप अपने अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ भी दो स्ट्रैप दिया हुआ टाइट करने के लिए। ये हो चुका है रेडी। एंड यहाँ से आप वाटर सक कर सकते हो। इस करने के बाद आप इसे इस तरह से लगा सकते हो एंड फिर यू आर रेडी टू गो। सो या दैट्स इट गाइस। अगर आपको ये बैग अच्छा लगा एंड आपको अगर परचेज करना है, मैं सारे लिंक्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा सबका। एंड इस बैग का मुझे प्राइस पड़ा है 799 rupees फॉर वाइल्ड क्राफ्ट हाइड्रेशन बैग। एंड इसका जो हाइड्रेशन ब्लैडर है, वाटर ब्लैडर है, इसका मुझे पड़ा है 699 फ्रॉम डीकैथलॉन। सो अगर आपको अगर परचेज करना है तो परचेज कर सकते हो, मैं लिंक सबका नीचे में डाल दूंगा। सो गाइस दैट्स इट, अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। टिल देन गाइस, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर। दिस साइड हाइपर एडा सादिक साइनिंग ऑफ। बी सेफ एंड राइड सेफ। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।